हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉब प्लस फैमिली में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल पीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है। वेस्ट बंगाल पीएससी का जो डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके के रिगार्डिंग यहाँ पर एक मेन्स एग्ज़ाम का यहाँ पर जो शेड्यूल होता है उसको यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है। तो उसको देखने के लिए आप सभी को चले आना होगा जो वेस्ट बंगाल पीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, pscwbapplication.in। तो यहाँ पर आप लोग को आना होगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट वाला आप लोग को कलम दिखाई देगा, यहाँ पर जो पहले जो नोटिस आप लोग को दिखाई देगा, इसको आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोग का जो है रिटेन एग्जामिनेशन होगा जो मेंस एग्ज़ाम का, तो उसका यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बताया जा रहा है कि 25, 26, 27, 28 जुलाई, मतलब 25, 26, 27, 28 जुलाई को आप लोग का जो है यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका यहाँ पर शेड्यूल भी दे दिया गया है, जो कि है 25/7/2019 को आप लोग का जो होगा, जो कि फॉरनून सेशन 9 AM से लेकर 12 नून के बीच में, और जो आफ्टरनून सेशन होता है वो है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फॉरनून सेशन में आप लोगों का पेपर वन होगा, जहाँ पर आप लोगों को बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, तो इसमें आप लोगों को लेटर राइटिंग लिखना होगा 150 वर्ड में, और ड्राफ्टिंग करना होगा, ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर पीस राइटिंग करना होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश टू बंगाली, हिंदी, उर्दू, जो कोई भी आप लोगों ने चूज़ किया था उस लैंग्वेज में। उसके बाद पेपर टू होगा, जो कि कॉन्वेंशनल टाइप का ही होगा, जहाँ पर इंग्लिश होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का इंग्लिश एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद 26 तारीख को आप लोगों का जो है पेपर थ्री होगा, जो कि जनरल स्टडीज़ है। उसके बाद 26 तारीख को आप लोगों का जो आफ्टरनून सेशन में पेपर फोर होगा, जो कि जनरल स्टडीज़ टू है, जहाँ पर आप लोगों को होगा साइंस एंड साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड एडवेंचर एडवांसमेंट, उसके बाद एनवायरमेंट, उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स यहाँ पर होगा। तो उसके बाद जो होता है 27 तारीख को आप लोगों का जो है पेपर फाइव होगा, जहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रोल ऑफ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोगों का होगा इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद पेपर सिक्स में आप लोगों का होगा एरिथमेटिक, टैक्स एंड रीजनिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो 28 तारीख का होता है, वहाँ पर जो आप लोगों ने जो ऑप्टिकल सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज़ किया था उसका पेपर वन यहाँ पर होगा। उसके बाद जो पेपर टू, मतलब ऑप्टिकल सब्जेक्ट का जो पेपर टू होता है, तो उसका यहाँ पर होगा, मतलब आप लोगों को जो यहाँ पर जो कंपलसरी सब्जेक्ट इसे 27 तारीख तक होगा, और जो जो आप लोगों ने जो जो ने चूज़ किया था जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 28 तारीख को होगा। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।